शिवजी के मंदिर में जाकर शंकर की पूजन नहीं कर पाए तो शंकर की चौखट तक तो पहुंच गए ना, उसके दरवाजे तक तो पहुंच गए, और यदि उसके दरवाजे तक पहुंचकर उसके दरवाजे की भी पूजन कर लिए आपने, उसके दरवाजे का भी स्मरण कर लिया आपने, क्योंकि शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, आपने उसकी चौखट का भी अगर पूजन करा है, उसका मालूम पड़े प्रदोष में मंदिर बंद है या अंदर नहीं जान दे रहे, प्रवेश नहीं करने दे रहे, पूजन नहीं करने दे रहे, आप द्वार की पूजन कर लो, करो पूजन। वो कहे ना आहूं में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे, आहूं में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो बोले हम तुम्हें मना लेंगे, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ काशी भी मना देंगे, एक बार तो आ जाओ जम्बो काशी भी मना देंगे, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो बोले हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा जय हो घर बैठे बुला लेंगे, कहते हो बोले
गौर प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार जो आ जाओ, गोरा भी बोला देंगे, एक बार तो बैठे बुला लेंगे, आओ में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। निमंत्रण देना, बुलाना या भाव से प्रकट कर लेना, आप
जरूरी नहीं कि मंदिर के अंदर जाओगे तभी आप पूजन करोगे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप भाव से जाकर एक बार निवेदन तो करो, उसको जाकर विनती तो करो, ठीक है। अगर आपके यहाँ के ब्राह्मण जन, पंडित जन, गुरु जन,